हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस कैंपस। तो सक्सेस कैंपस में आज से हम लोग जनरल साइंस का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जनरल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बहुत अच्छा वेटेज रखता है जनरल साइंस, ठीक है। तो हम लोग जनरल साइंस, तो जैसे हम लोग जानते हैं साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, साइंस को हम लोग तीन पार्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो क्या है, फिजिक्स, ठीक है। तो हम लोग आज फिजिक्स स्टार्ट करने वाले। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले सब हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। तो पहला, आपका कोर्स जो होगा, ठीक है, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए होगा। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें हम दोनों में आपको डिस्क्राइब करें, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन एक और बात नोट कर लीजिए आप लोग कि जो साइंस सब्जेक्ट है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको कुछ कुछ इंग्लिश टर्म्स को ही याद रखना सही होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ हिंदी टर्म्स ऐसे होते हैं जो आप याद रखने में प्रॉब्लम होगा, और हम लोग जो जनरल लाइफ में साइंस के जो कुछ कुछ टर्म्स है जो यूज़ करते हैं वो हम लोग जनरली इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। तो घबराना नहीं है अगर कुछ कुछ हम इंग्लिश में अगर ज़्यादा लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश पे ही फोकस करने के लिए। वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ और इस क्लास का नोट्स प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, आपको करना क्या है हमारे साथ साथ, जितना भी चीज़ हम आज पढ़ाएंगे या जितना भी चीज़ ये पूरे लेक्चर सीरीज में आएगा आपको और जितना भी चीज़ बोर्ड पर बताया जाएगा, कोशिश कीजिए कि एक पेन और एक कॉपी साथ में लेके बैठे और सारा चीज़ को अपने सिस्टमेटिक तरीके से अपने तरीके से नोट करते रहे। जिससे क्या होगा कि आप जो फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास क्या होगा, एक नोट्स अपना ऑन नोट्स आपके पास प्रिपेयर होगा। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम के पहले जस्ट आपको दो दिन चार दिन पहले क्या करना है कि उसको निकालना है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लेना, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप साइंस के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहली बात कि सारा चीज़ नोट करने की कोशिश करना है, आपको एक अपना नोट्स बनाना। वैसे हम लोग पीडीएफ कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर दे, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। और ये किस किस एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाला, तो अगर आप हमारा जो जनरल साइंस का लेक्चर सीरीज है पूरा अगर शुरू से लास्ट तक सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं, तो आप, मैं एक चीज़ का गारंटी ले सकता हूँ कि आपको साइंस इस तरह से समझ में आ जाए कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले, एक भी जो डेफिनेशन होगा उसको रटने वाले नहीं है। कि अगर आपको साइंस रटना पड़ जाए तो ये तो फिजिबल है नहीं कि साइंस में हम रट के पढ़ें, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ आपको विजुअलाइज कराएंगे, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन होने वाला है क्लास में आपको। तो बस क्या करना है, आपको क्लास पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करना, जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से नोट करना है और हर एक चीज़ पर ध्यान देना है। तो और इससे जो बेनिफिट होने वाला, आपको जितना भी एग्जाम्स होगा, जैसे कि रेलवेज का एग्जाम अभी कंसंट्रेट कीजिए, एनटीपीसी का एग्जाम आज हो, दो महीने के बाद और रेलवे एग्जाम लेगी, ठीक है। और अभी एसएससी में भी एक वैकेंसी आया हुआ है सीपीओ का, एकदम लेटेस्ट वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। उसमें भी साइंस का अच्छा वेटेज रहता है, तो हमारे साथ बने रहिए, उसमें भी आपको पूरा फायदा होने वाला है। प्लस स्टेट्स एग्जाम, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हमारे एग्जाम लेने वाले हैं, ठीक है, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक हम लोग जो कोर्स यहाँ पे कवर करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पीसीएस लेवल तक जाने वाले, ठीक है। आपको कहीं कुछ, एक चीज का मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप पूरा कोर्स देखते हैं तो आपको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी कराएंगे। मैं वीक में एक बार लाइव आके सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और प्रैक्टिस भी कराने वाले, सब कुछ आपको क्लास में मिलने वाला है। हम लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर आप पूरी तरीके से पूरे लेक्चर को फॉलो करते हैं, एक एक लेक्चर को देखते हैं अच्छे से शुरू से लास्ट तक, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि सारा लेक्चर को अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर का आप बेनिफिट ले सकें, यही हमारा भी कोशिश रहेगा। और आप भी यही कोशिश कीजिए कि कितना ज़्यादा हम यहाँ से गेन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा नॉलेज हम यहाँ से ले सकते हैं और कितना ज़्यादा हमको बेनिफिट इस लेक्चर से मिल सकता है, ठीक है। तो जे आपको एक चीज़ हम बता दें कि इस लेक्चर को आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग का जो सिलेबस स्टार्ट होगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले कहाँ से, फिजिक्स से, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल में एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया, कौन फिजिक्स के फादर थे, कौन इनके जनक है, किसने फिजिक्स का शुरुआत किया, ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इसी तरह से, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, या हो सकता है हम लोग साथ साथ भी स्टार्ट करें। तो जब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगर अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। तो हम लोग को पूरा फोकस किस पे करना है, फिजिक्स पे, ठीक है। तो देखते हैं फिजिक्स
में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कैसे फिजिक्स वर्ड आया, कहाँ से आया। तो फिजिक्स वर्ड से पहले स्टार्ट करते हम लोग साइंस की, एक्चुअली साइंस क्या होता है। ठीक है, तो साइंस जब भी वर्ड आता है तो हम लोग साइंस में क्या करते हैं, किसी का कॉज ढूंढते हैं, जो भी फेनोमेना जो भी घटना हमारे नेचर में हमारे सराउंडिंग में हो रहा है उसका हम लोग क्या खोजने का कोशिश करते हैं, उसका कारण कि एक्चुअली वो क्यों हो रहा है। साइंस गिव्स अस आंसर व्हाई। ठीक है, जो भी घटना हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसी का जवाब देता है हमको क्या, साइंस। ठीक है, तो साइंस का जो रूट वर्ड है ना वही होता है नॉलेज। ठीक है, तो साइंस का जो रूट वर्ड है, साइंस का रूट वर्ड क्या है, एक वर्ड है साइंटिया, लेटिन वर्ड, दिस इज अ लेटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब ही होता है टू नो। ठीक है, टू नो मतलब जानना। तो जैसे हम बता रहे थे कि साइंस क्या है, साइंस है कि किसी घटना के बारे में जानना कि उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, तो अगर आप उस कारण को जाने दैट मीन्स आप उसके साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साइंस में हमको पढ़ना क्या है, जो भी घटना जो भी फेनोमेना हमारे सराउंडिंग में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं किसमें, साइंस में। ठीक है, आपको एक चीज पता है, साइंस वर्ड किससे आया है, साइंटिया से। साइंटिया का मीन्स क्या होता है, टू नो, जानना, किसी चीज के बारे में जानना ही साइंस होता है। और वो एक, ये एक क्या है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, अब बात आता है कि साइंस के फादर कौन है, जनक कौन है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, हम थोड़ा फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया और इसका शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, तो फिजिक्स एक वर्ड है फ्यूजिस। ठीक है, फ्यूजिस वर्ड से इसको ड्राइव किया गया। फ्यूजिस कौन सा वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है। फ्यूजिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर, प्रकृति। मतलब फिजिक्स में हम लोग एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, जितना भी चीज़ आपके नेचर में हैपनिंग हो रहा है, मतलब जितना भी चीज़ आपके नेचर में हो रहा है, ठीक है, जितने भी घटना आपके आसपास घट रही है सबके पीछे क्या एक फिजिक्स है। ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं, जितना भी चीज़, यहाँ तक कि आपको जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रहा है उसके पीछे भी फिजिक्स है, भले हम उसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लेकिन जब तक अगर आपको फिजिक्स नहीं आता है तो भी उसको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको अर्थक्वेक आ रहा है, दैट इज अ नेचुरल फेनोमेना, उसके पीछे भी एक फिजिक्स है। ठीक है, उसके फिजिक्स में उसमें क्या है कि नीचे मैग्मा में प्रेशर बढ़ता है तो प्लेट को स्लाइड करता है, तो वो सब सारा क्या, सारा फिजिक्स है, सबका कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, फिजिक्स से। तो जितना भी चीज़ आपको नेचर के बारे में अगर पढ़ना है और अच्छे से समझना है तो आपको क्या, फिजिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आज फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स वर्ड कहाँ से आए, फ्यूजिस से, उसका मतलब ही होता है नेचर, मतलब इससे, इसी से हमको क्या पता चल रहा है कि फिजिक्स में लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, हमारे नेचुरल कॉज और नेचुरल फेनोमेना को पढ़ने वाले, कि हमारे जो आसपास क्या प्राकृतिक घटनाएं हो रही है और क्यों हो रही है। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं, तो फिजिक्स को जो है, फिजिक्स के फादर कौन है, फिजिक्स के जनक, फिजिक्स को स्टार्ट को पहले किसके दिमाग में आया था। ठीक है, कहाँ से फिजिक्स का इवोल्यूशन हुआ, तो इससे, इसमें क्या होता है, एक कंट्रोवर्सी आया, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है, पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में सबको पता था कि एक ही चीज़ है न्यूटन। सबको क्या पता है, जब भी फिजिक्स की बात आता है हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है, न्यूटन, कि न्यूटन ही फिजिक्स के फादर होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आपको मैं अभी डिस्कस करने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए एकदम ध्यान से, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ बोर्ड पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो फिजिक्स वर्ड है, फिजिक्स को हम लोग क्या करते हैं, पहले फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फिजिक्स को दो पार्ट में, कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, पहला पार्ट हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा पार्ट क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया गया अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से देखते हैं कि क्यों किया गया, कैसे कैसे क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, कैसे क्यों इस जरूरत पड़ा कि हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट में पढ़ें, पढ़ने का, एक मॉडर्न फिजिक्स को अलग पढ़ने का, क्लासिकल फिजिक्स को अलग पढ़ने का। ठीक है, तो अभी देखने वाले हम लोग, तो पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्लासिकल फिजिक्स होता है ना, क्लासिकल फिजिक्स में सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये, इसमें अभी कुछ नया ऐड नहीं होता है। ठीक है, ये एक क्या है, परंपरागत कॉन्सेप्ट है जो चलते आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग नया ऐड नहीं करते, कुछ इसका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। जैसे कि क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे मोशन पढ़ने वाले, मोशन जैसे अर्थ है, अर्थ क्या करता है, फोर्स लगा रहा है, अगर मान लीजिए, तो अगर अर्थ कैसा फोर्स लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये कभी ऐसा नहीं होने वाला कि अर्थ ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ है क्या, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और एक और चीज, तो क्लासिकल फिजिक्स के जो हम लोग फादर जिनको मानते हैं वो किसको माना गया है, सर आइजैक न्यूटन। सबको पता है किसको माना गया, सर आइजैक न्यूटन को। ठीक है,
क्लासिकल फिजिक्स के फादर किनको माना गया, सर आइजक न्यूटन को। और मॉडर्न फिजिक्स के फादर किनको माना गया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। देखिए अगर क्वेश्चन में आपकर आपको पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, आधुनिक भौतिकी के जनक किनको कहा जाता है, तब आप टिक किसको करने वाले हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के जनक कौन है, तो आपको टिक किस पे करना है, आइजक न्यूटन को, ठीक है। इसका हिंदी अगर जानना चाहते चिर सम्मत भौतिकी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, आप देख ही रहे कैसा वर्ड है, चिर सम्मत, ठीक है। इससे इजी है कि आप क्लासिकल वर्ड को याद रखें, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप जितना पॉसिबल हो सके इंग्लिश वाले टर्म को ज़्यादा याद रखने का, ये आपको हमेशा बेनिफिट देगा, ठीक है। और आपको कोई भी एग्जाम देने जाओगे इंग्लिश तो आता ही है, तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश के साथ आप फेमिलियर होने का, उससे आपको इंग्लिश भी इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। नया नया वर्ड भी आप सीखेंगे तो हो सकता है आपको वर्ड कहीं काम आ जाए, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश के साथ ज़्यादा फेमिलियर होने का, वो आपको हमेशा बेनिफिट देगा। कोई भी एग्जाम इंटरव्यू कहीं भी जाइए, इंग्लिश अगर आपको आता है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर रहता है, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या बात कर रहे थे कि क्लासिकल फिजिक्स के फादर की बात आएगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर आइजक न्यूटन। और अगर मॉडर्न फिजिक्स के फादर की बात आएगी तो हम लोग किसके नाम लेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब यहाँ पे क्या आता है कि सर अगर फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जाए तब हम किसका जवाब देंगे, ठीक है। जब फादर ऑफ फिजिक्स आपसे क्वेश्चन में आ जाए तो सिंपल सी बात है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, ठीक है। ये क्या थे, न्यूटन थे हमारे 17th सेंचुरी में, ये 15th और 16th सेंचुरी के आसपास थे, ये 15th सेंचुरी में थे, ये अप्रॉक्स 17th सेंचुरी में, सॉरी गैलीलियो 16th सेंचुरी में थे, हमारे न्यूटन जो थे वो अप्रॉक्स 17th सेंचुरी के थे, और जो मॉडर्न फिजिक्स था ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो अप्रॉक्स 20th सेंचुरी के थे, ठीक है। 19th में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये मैक्सिमम जो ये डिस्कवरी किए हैं जितना भी इनका थ्योरी आया सो क्या 20th सेंचुरी। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले कौन था, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। लेकिन गैलीलियो गैलीली क्या थे, हमारे जो आइजक न्यूटन थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ये क्या बोलते थे कि जो फादर ऑफ फिजिक्स है वो कौन है, गैलीलियो गैलीली। अब ये क्यों कहा गया था इनको, ये लोग जब ये मानते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन मानते थे कि फादर ऑफ फिजिक्स किनको कहा जाना चाहिए, गैलीलियो गैलीली को, तो क्यों मानते थे, क्योंकि गैलीलियो गैलीली जो थे जितनी भी इवेल्युएशन या जितना भी डिस्कवरी हमारे आइजक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टाइन किए थे उसका प्रिडिक्शन गैलीलियो गैलीली 16th सेंचुरी में कर चुके थे। बट ये क्यों नहीं आया, हम गैलीलियो गैलीली का थ्योरी क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, उसके पीछे एक कारण है कि गैलीलियो गैलीली इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, ठीक है। उस टाइम मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन उतना नहीं हो पाया था, मैथमेटिक्स इतना नहीं आया था हमारे जगह, तो मैथमेटिक्स के कारण ये इनके पास उतना प्रूफ नहीं था। ये क्या करते थे, ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स पढ़ते थे, मतलब ऑब्जर्व करते थे कि यहाँ पे जब सोच लो उस टाइम में 16th सेंचुरी में ये बता दिए थे कि जुपिटर के साथ उसका 4 सेटेलाइट है नेचुरल सेटेलाइट, उसके बारे में गैलीलियो गैलीली 16th सेंचुरी में बात करते थे, ठीक है। इसका मतलब सोच लीजिए कि ये कितना दूरदर्शी थे, कितना मतलब आप किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते थे, कितना अच्छे से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते थे। तो ये जो थे गैलीलियो गैलीली सबसे फर्स्ट जो यूज़ किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे यूज ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। ये क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे यूज ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का यूज को सबसे पहले कौन लाया था, इंट्रोड्यूस किया था गैलीलियो गैलीली, समझ में आ रही बात। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हु इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ टेलीस्कोप, या सबसे सर्वप्रथम में टेलीस्कोप का यूज किसने किया था, आपको एक जवाब याद रखना है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली कब थे, 16th सेंचुरी में थे, ठीक है। तो आइजक न्यूटन जैसे कि हम क्या बोल रहे थे कि अभी, और ये क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमी थे, ये क्या थे, एस्ट्रोनॉमी, इनके बारे में एक और चीज जान ली, ये क्या थे, एस्ट्रोनॉमी में काम करते थे, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में ये काम करते थे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करते, स्पेस साइंस के बारे में जानने की कोशिश करते थे, ठीक है। ब्लैक होल तक का ये कॉन्सेप्ट देके गए थे, ब्लैक होल तक की बात किए हैं ये अपने डिस्कवरीज में, ठीक है। तो इसका मतलब आइजक, उसी के हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजक न्यूटन क्या किए, सारे चीज़ों का, ये जो गैलीलियो गैलीली है इनके जितने भी ऑब्जर्वेशन था उनका प्रूफ करने की कोशिश किए, उसको क्या करें, मैथमेटिकल तरीके से उसका प्रूफ लाने की कोशिश की, क्योंकि अगर साइंस में अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो चीज़ छपता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको प्रिंट होने के लिए या बुक में आने के लिए या रिसर्च पेपर में आने के लिए उसका क्या होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए,
ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप ये नहीं कर सकते, और फिजिक्स में तो प्रूफ करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन चल जाती है, लेकिन फिजिक्स में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग गैलीलियो गैलीली का ज़्यादा सिद्धांत हम लोग को नहीं पढ़ने को मिलता है या देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रूफ नहीं किए थे। वो सारे चीज़ को कौन प्रूफ किया था? आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन और भी कुछ साइंटिस्ट थे, वो सब हम लोग एक अलग सेपरेट क्लास कर देंगे। उसमें हम लोग साइंटिस्ट जो मेन साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या फिर इंडिया के जो साइंटिस्ट थे जो बहुत सारा चीज़ डिस्कवरी किए, उसको एक अलग सेपरेट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ज़्यादा अपने क्लास से भटकना नहीं है। तो ये क्या बोलते थे? ये भी इनको फादर बोलते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इनको फादर बोलते थे, इसलिए फादर ऑफ फिजिक्स जो बोला गया है ना गैलीलियो गैलीली को, अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, तो आपको जवाब क्या देना है? गैलीलियो गैलीली, ठीक है। और अगर गैलीलियो गैलीली इनकेस अगर ऑप्शन में ना हो, ठीक है, तो आपको किस पर टिक करना है? आइजैक न्यूटन पे, ठीक है। अगर गैलीलियो गैलीली अगर ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है, तो ये दोनों में से कोई अगर दोनों ऑप्शन में, तो जो ज़्यादा सही आंसर होगा वो क्या हुआ? गैलीलियो गैलीली। तो आपको किस पर टिक करने वाला है? गैलीलियो गैलीली पे। यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। हम डिस्कस कर दिया आपसे कि फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और फादर ऑफ साइंस भी इन्हीं को कहा गया है, ठीक है, क्योंकि साइंस का भी शुरुआत यहीं से हुआ है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा क्या कि फादर ऑफ साइंस अरिस्टोटल को कहा गया, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स में या फिर अच्छे अच्छे वेबसाइट में जाके देखोगे तो फादर ऑफ साइंस किसको माना गया है? गैलीलियो गैलीली को। फादर ऑफ साइंस किसको कहा गया? गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। और अगर गैलीलियो गैलीली फादर ऑफ साइंस के भी ऑप्शन में ना हो, तब आपको किस पे टिक करना है? अरिस्टोटल पे। किस पे टिक करना है? अरिस्टोटल पे, ठीक है। अरिस्टोटल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अरस्तु, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको ये ऑप्शन नहीं हो, इनकेस अगर गैलीलियो का ऑप्शन नहीं हो, तब आपको अरिस्टोटल के तरफ जाना है, ठीक है। और अगर गैलीलियो का ऑप्शन हो तो ज़्यादा सही आंसर क्या होने वाला है आपका? गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो अरिस्टोटल एक्चुअली इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। तो इस क्वेश्चन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ठीक है। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए तो बेझिझक आपको क्या आंसर टिक करना है? अरिस्टोटल, ठीक है। या फिर अगर हिंदी में अगर आपको मिल रहा है तो अरस्तु लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अगर अरिस्टोटल भी मिला तो कोई कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों सेम पर्सन का नाम है, ठीक है। अब एक और चीज़, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आ गई तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन सबको कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम से मैं खुद देखा हूँ और काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लोगों को लगता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्ष के सिद्धांत के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पे बात अलग हो जाती। इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ढूंढने के लिए। नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? नोबेल प्राइज मिलने का कारण क्या था? किस चीज़ के लिए मिला था? डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे थे, इसलिए मेरे को ध्यान में एक क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ इसलिए मिला था, तो नोबेल प्राइज़ मिला था डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर आपको सापेक्ष के सिद्धांत पर टिक नहीं करना है, यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होकर कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हम लोग क्या देख लिया अभी? हम लोग फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या देख लिए कि फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया, फिजिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, क्यों बांटा गया अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स के फादर, अगर क्लासिकल फिजिक्स के फादर पूछा जाए तो किन को टिक करना है, अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स का फादर करना पूछा जाए तो क्या आंसर होने वाला है, फादर ऑफ फिजिक्स पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होने वाला है, और साइंस के फादर का आंसर क्या होने वाला है, और कितने तरीके से आपका क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, कहाँ ऑप्शन चेंज किया जा सकता है, वो सब भी हम लोग इसमें देख लिए। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। पूरे बोर्ड में जितना चीज़ लिखा हुआ कोशिश कीजिए कि अच्छे से नोट कीजिए, एक एक चीज़ कुछ छूटना नहीं चाहिए, और अपने तरीके से नोट कीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम बोर्ड अभी क्या डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि फिजिक्स को क्या दो पार्ट में बांटा गया था, दोनों पार्ट के फादर कौन है, कैसे आया। तो हम लोग अभी देखते हैं कि दो पार्ट में बांटा गया लेकिन क्यों बांटा गया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्यों का जवाब ही पढ़ना क्या है? साइंस है, ठीक है। तो हमको जैसे पता है कि फिजिक्स है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर, ठीक है।
मतलब फ्यूजिस होता है, फ्यूजिस वर्ड से आया, फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। दैट मीन्स हम लोग डायरेक्ट पढ़ रहे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, नेचुरल चीज़ पढ़ना है। तो नेचर है, तो नेचर क्या चीज़ से मिलके बना है, तो नेचर क्या है, नेचर इज कंपोजिशन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज मैटर एंड इनर्जी। मैटर और इनर्जी से मिलके बना है क्या, नेचर। ठीक है, प्रकृति क्या, किन दो चीज़ों का मिश्रण है, तो क्या है, द्रव और ऊर्जा। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मैटर क्या होता है, इनर्जी क्या होता है। इनर्जी को हम लोग और अच्छे से तरीके से पढ़ना है, कब, जब इनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा जो इसमें हमको काम आने वाला है, ठीक है, तो मास में क्या होता है, सॉरी मैटर में क्या होता है, पहला चीज, एवरीथिंग अराउंड अस और एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको यूनिवर्स में दिख रही है या नहीं भी दिख रही है, ठीक है, जितनी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, तो जितना भी चीज़ है, जैसे कि मान लो कि अर्थ है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है, एयर ही है, एयर क्या है, एयर मैटर है, तो एयर क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको रहने के लिए कुछ जगह तो चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर को हम लोग कहीं रखना है, उसके लिए उतना स्पेस होना चाहिए कि नहीं, उतना स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है। दैट मीन्स सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए, मैटर क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, स्थान घेरेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा, इसके पास कुछ मास होगा, एक ग्राम, दो ग्राम, एक मिलीग्राम, एक केजी, एक क्विंटल, एक टन, डजेंट मैटर, लेकिन इसके पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। जैसे कि ये मार्कर है, 50 ग्राम का होगा, एक चीटी भी हो सकता है एक मिलीग्राम का हो, लेकिन वो भी मैटर है, तो वो, उसको भी कुछ स्पेस चाहिए, बहुत छोटा स्पेस है लेकिन चाहिए तो, लेकिन और उसके पास भी कुछ मास होगा। दैट मीन्स जितना भी चीज़ मैटर होगा सबके पास क्या चाहिए, सबके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द्रव्यमान पोजेस मास। ठीक है, द्रव्यमान होना चाहिए तभी वो क्या कहलाने वाला है, आपका मैटर कहलाने वाला है। जस्ट उसके ऑपोजिट इनर्जी को समझिए, ठीक है, थोड़ा सा इनर्जी, मान के चलिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसका जो मास है वो मान के चलिए, या द्रव्यमान इसका कितना, 60 केजी का व्यक्ति है, ठीक है, 60 केजी का व्यक्ति है। अब ये क्या करता है, ये कुछ काम करने की कोशिश करता है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक काम को कर रहा है, काम करेगा तो क्या करेगा, इसकी थोड़ी सी एनर्जी निकलेगी, इसके शरीर से थोड़ी सी एनर्जी बाहर जाएगी, उस काम को करने में जितना एनर्जी लगेगा तो वो एनर्जी क्या होगा, इसके शरीर से बाहर निकलेगा। तो एक चीज़ समझो कि अगर ये मान लो 5 जूल का एनर्जी या वर्क करता है, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, तो ये इस पर फोकस नहीं करना कि जूल क्या है, हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए कि मान लीजिए 5 जूल का ये एनर्जी या वेस्ट करता है या निकालता है अपने शरीर से, किस क्यों निकालता है, कुछ काम को करने के लिए, ठीक है, तो क्या इसका वजन में कुछ कमी आएगा क्या, 60 केजी से 50 ग्राम कम हो जाएगा क्या, ऐसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, मतलब ये अगर एनर्जी को गेन भी करता है या एनर्जी को लॉस भी करता है तो इसके मास में कोई कमी होने वाला नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़, इसका साइज और शेप भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, ऐसा थोड़ी कि 1 इंच छोटा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर एनर्जी को हम खर्च करते हैं या एनर्जी को गेन करते हैं तो उससे हमारा ना ही मास पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना इसके स्पेस में, मतलब जितना वो स्पेस उसको चाहिए अभी रहने के लिए तब भी उतना ही चाहिए होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है कि जो ये है ये डजंट ऑक्यूपाई स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, मतलब स्थान नहीं घेरेगा। ठीक है, और दूसरा चीज क्या है, दूसरा नॉ पोजेस मास, ठीक है, द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज, दो चीज ध्यान रखिए, ठीक है, कि एनर्जी में मास नहीं होगा और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मैटर में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और मास होगा। ठीक है, तो एक और चीज़, तो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे कि हम लोग को समझना क्या था, फिजिक्स को दो पार्ट में क्यों बांटा गया था, क्यों क्लासिकल फिजिक्स को अलग रखा गया, मॉडर्न फिजिक्स को क्यों अलग रखा गया। तो यहाँ पे बात कंट्रोवर्सी क्या था, दो चीज़ था, मास और एनर्जी, इसी बात पे कंट्रोवर्सी चल रही थी। क्लासिकल फिजिक्स वाले क्या बोलते थे, था न्यूटन को फॉलो करने वाले लोग ये मानते थे कि किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का मास कभी चेंज नहीं हो सकता है,
क्या मानते थे, किसी भी वस्तु का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कहीं भी लेके चले जाओ, 5 kg का है तो 5 kg का ही रहेगा, चाहे वो कितनों वेलोसिटी से उसको दौड़ा, ठीक है, वो घटने वाला नहीं है। मतलब ये क्या बोलता था कि मास कांस्टेंट होगा, एक आदमी बोलता था। दूसरा आदमी क्या बोलता था, कौन, मॉडर्न फिजिक्स वाला, मॉडर्न फिजिक्स वाला क्या बोलता था कि मास कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मास को किसी बॉडी है जिसका मास m है और अगर उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से या कुछ मैक्स मतलब ज़्यादा स्पीड से, जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में सिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंट मतलब उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब 300,000 km/s होता है स्पीड ऑफ लाइट, 1 km/s को तो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब वो कितना होना चाहिए, अप्रोक्स 100,000 km, 150,000 km या कुछ उसके आसपास होना चाहिए, लाख में ही होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो उस स्पीड से अगर किसी वस्तु को या किसी बॉडी को अगर हम लोग ट्रैवल कराते हैं तो उसका जो मास होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसके लिए कि इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को हम लोग ना ही पढ़ना है ना ही कहीं आने वाला है आपको, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि जो मॉडर्न फिजिक्स वाले क्या कहते थे कि किसी वस्तु का अगर मास m है, अगर उसको हम ज़्यादा स्पीड से या कुछ स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में कुछ सिग्निफिकेंट स्पीड से अगर उसको हम ट्रैवल कराते हैं तो उसका मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका मास क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। मतलब वो क्या बोलते थे कि मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट एनी एट एनी सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन, हर एक सिचुएशन में किसी भी बॉडी का मास कॉन्स्टेंट रहे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बोलते थे तो मास जाएगा कहाँ, तो बोलते थे मास इनर्जी में कन्वर्ट होगा। मास क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कहना था किसका, मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स वाले थे वो क्या कहते थे कि मास इनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मास कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ये किनका कहना था, मॉडर्न फिजिक्स वाले का, ठीक है। और जो क्लासिकल फिजिक्स वाले थे वो बोलते थे मास कॉन्स्टेंट रहेगा, ये किसी में कन्वर्ट होने वाला चीज़ नहीं, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एकदम स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हुए थे। तो ये क्या था, हमारा क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था, तो यही कंट्रोवर्सी चलता था। तो इसी के लिए हम लोग इसको फिजिक्स को दो पार्ट में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि मास को कॉन्स्टेंट नहीं माना गया है, और हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, चिर सम्मत भौतिकी में क्या पढ़ते हैं कि मास को कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। और एक चीज, तो मास को अगर कांस्टेंट नहीं माना गया तो मास क्या चीज में कन्वर्ट होने वाला है, एनर्जी में, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स वाले क्या बोलते थे कि मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। तो क्यों बोलते थे, अब आपको अभी शुरू में ही बोला था कि जब साइंस में या फिजिक्स में कोई भी चीज तभी वैलिड होता है जब उसके लिए आप कुछ इक्वेशन देते हो, उसको किसी तरीके से प्रूफ करते हो, तभी वो वैलिड होता है। तो ये उसके पीछे क्या रीजन दिया था मॉडर्न फिजिक्स वाले, तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो पता है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन घर में जो फादर बोलते वही होता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बोले होंगे वही कुछ हुआ होगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है मास इनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, दैट इज वेरी फेमस इक्वेशन, जो फिजिक्स कभी नहीं पढ़ा वो भी इक्वेशन तो देखा ही हुआ एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक बार, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि किसी बॉडी किसी वस्तु में अगर मास एम है तो उसके पास वो टोटल कितना इनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, मतलब ये वो इतना एनर्जी पोजेस करता है, इतना एनर्जी अपने पास रखता है। यहाँ पे सी क्या है, सी इज नथिंग, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। प्रकाश की गति वैक्यूम में कितनी होती है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये इक्वेशन को बेसिस पे रख के मॉडर्न फिजिक्स वाले बोलते थे कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन, किनके द्वारा दिया गया है, बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए ये इक्वेशन को काफी बार चैलेंज भी किया गया है गलत प्रूफ करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई इसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाया है, ठीक है। तो जब तक सक्सेसफुल नहीं होता तब तक हमको इसको पढ़ना ही पड़ेगा और याद रखना ही पड़ेगा। अगर कोई गलत कर देता है तो फिर हो सकता है नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन। आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इसी में कुछ चेंज करके एम के ऊपर स्क्वायर दे दे, ई के ऊपर स्क्वायर दे दे, रूट लगा दे कहीं तो, लेकिन आपको याद क्या रखना है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इट इज द करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ई क्या है, ई रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, मतलब ऊर्जा को, ठीक है। एम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मास को, मतलब द्रव्यमान को, ठीक है। और सी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है। सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
ठीक है, प्रकाश की गति वैक्यूम में कितनी होती है, ठीक है, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, सी। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी का जो वैल्यू होता है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सी का जो वैल्यू होता है तो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या फिर आपके क्वेश्चन के पेपर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ हो, तो दोनों करेक्ट आंसर है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होगा। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 3 होता है, 2.99 भी अगर कहीं मिल जाए तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आया आपको, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फिजिक्स को दो पार्ट में क्यों बांटा गया, क्यों हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं, क्यों दो फादर फिजिक्स को हम लोग मानते हैं। एक्चुअली फिजिक्स के तीनों को फादर ही कहा जाता है, गैलीलियो को भी और न्यूटन को भी और आइंस्टाइन को भी। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है कि क्लासिकल फिजिक्स, तब फिर आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो वहाँ पे आपको न्यूटन पे टिक करना है। अगर पूछा जाए स्पेशली, क्या पूछा जाए स्पेशली, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न फिजिक्स कौन है, तो फिर आपको आइंस्टाइन पे टिक करना है। और अगर स्पेशली पूछा जाए सिर्फ फिजिक्स का, तो अगर गैलीलियो का ऑप्शन है तो गैलीलियो पे टिक करना है, नहीं तो फिर न्यूटन का ऑप्शन रहेगा तो न्यूटन पे टिक करना है। ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और ये हमारा हो गया फिजिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिए थे फिजिक्स का, कि फिजिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे क्या किस किस ब्रांच में फिजिक्स को बांटा गया, कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले सिलेबस कि यहाँ पे आपको क्या कवर कराया जाएगा सिलेबस में, कहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से हम लोग भी सिलेबस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स में जो आपको पहला टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स में आपको मेनली क्या पढ़ना है कि बॉडी मोशन में कैसे आता है, उसके पीछे का कॉज क्या है, क्यों हम लोग बॉडी को मोशन में मतलब कौन सा ऐसा फेनोमेना है जिसके कारण बॉडी मोशन में आता है, जैसे ये अगर रुका हुआ है तो ये चलना क्यों स्टार्ट होगा। ठीक है, वो सब सारा चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन में। ठीक है, या फिर मैकेनिक्स में। दूसरा क्या पढ़ने वाले मैकेनिक्स में, फोर्स, बल के बारे में, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, कैसे सारा फोर्स काम करता है। ठीक है, कैसे फोर्स अप्लाई होता है, वो सारा पढ़ने वाले। और इसमें ग्रेविटेशन भी एक फोर्स का ही टॉपिक है, लेकिन ग्रेविटेशन को अलग रखा जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन में थोड़ा सारा चीज़, क्योंकि ग्रेविटेशन में क्या होता है, एक ही फोर्स लगने वाला है, वो क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा इसको अलग से पढ़ते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत है। उसके बाद आपको एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे एक बॉडी में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसके पास एनर्जी है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मतलब स्थैतिक ऊर्जा, गति ऊर्जा, ये सब क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग एनर्जी टॉपिक में। वर्क, एनर्जी वर्क में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर किसी के पास एनर्जी है तो वर्क कैसे कर सकता है, वो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में एकदम पढ़ने वाले, पूरे अच्छे तरीके से, पूरे एग्जॉस्टिव तरीका से क्लास चलने वाला है आपका, एकदम उस किस में पढ़ने वाले, एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद SHM पढ़ना है आपको, SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मतलब अगर ये बॉडी ऐसे ऐसे कर रही है तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये ना ही पूरा फुल मोशन कर रहा है, ना ही ये लीनियर सीधा मोशन कर रहा है, ना ये पूरा घूम रहा है, ये ऐसे से कर रहा है। तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले उसमें, SHM में इसी मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कुछ वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ने वाले, क्या वेव्स वगैरह के बारे में। ठीक है, वेव्स में क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, सारा चीज़, कैसे वेव्स में एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो सारा चीज़ में पढ़ने वाले हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो वो चीज़ हम लोग इसी में कवर करने वाले हैं। उसके बाद ये हो गया आपका पूरा मैकेनिक्स का पार्ट। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया, मैकेनिक्स का। उसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, साउंड में। ठीक है, साउंड में आपको क्या पढ़ना है, साउंड के बारे में पढ़ना है, कि साउंड को मेजर कैसे करते हैं, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, कौन सा मीडियम होता है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है नहीं होता है, किसमें इसका स्पीड ज़्यादा होगा, सारा चीज़ को डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं जब साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो। ठीक है, उसके बाद आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, इसमें हमको मेनली क्या पढ़ना है कि हीट मतलब टेम्परेचर के बारे में, तापमान। ठीक है, तापमान के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे होता है, कौन कौन सा टेम्परेचर मेजरमेंट का स्केल है, सारा चीज़ हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। और क्या, हीट फ्लो कैसे करता है। ठीक है, एक जगह से, जैसे मान लीजिए एक अगर हॉट बॉडी आप लेते हो, ठीक है, एक अगर हॉट बॉडी लेते हैं और एक इसका टेम्परेचर T1 है, एक कोल्ड बॉडी लेते हैं जिसका टेम्परेचर T2, दोनों के बीच में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों को हम लोग कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो हीट का
प्रोपेगेशन कैसे होगा, इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें आएगा, वो सारा चीज़ को डिटेल में एकदम एक एक चीज़ को काउज के साथ पढ़ना है कि क्यों होता है, सारा चीज़ हम लोग किस में पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडाइनिक्स में, ठीक है। उसका अगला टॉपिक है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाशिकी, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, साइंस ऑफ लाइट, ठीक है, इसमें हम लोग प्रकाश विज्ञान को पढ़ने वाले और अच्छे तरीके से, ठीक है। इसमें आपको मेनली क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, साइंस जो जितना भी हमारा ऑप्टिकल फेनोमेना होता है, जैसे रेनबो कैसे बनता है, हमारा जो ये क्या बोलते हैं स्काई ब्लू क्यों दिखता है, सुबह के शाम टाइम में रेड क्यों दिखता है, सारा चीज़ एकदम पूरे तरीके अच्छे तरीके से हम लोग किसमें डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स चैप्टर में। इसके अलावा मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, मिरर में इमेज कैसे बनता है, लेंस कितना टाइप का होता है, लेंस में इमेज कैसे बनता है, हमारा आँख में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसके लिए कौन कौन सा लेंस यूज करते हैं, क्यों करते हैं, सारा चीज़ हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंटरेस्टिंग एक साइंस है, ठीक है, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, इसी के कारण आज हम लोग जितना भी देखते हैं इवोल्यूशन, जितना भी नया नया इवोल्यूशन हुआ है साइंस की वर्ल्ड में, उसका मेन कारण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से जैसे अगर मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है, किस टाइप का कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, सारा चीज़ हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसी में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ने वाले हैं, मतलब स्थैतिक विद्युत और क्या इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो होने वाला है, प्लस मैग्नेटिज्म भी पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारा पार्ट आपका क्या क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है, ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। अब अगला टॉपिक जो आपको है, जो आप अगला सिलेबस है वो क्या, किस चीज़ का, मॉडर्न फिजिक्स का, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का सबसे जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वो क्या होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले कि हाइड्रोजन बम कैसे क्या होता है, ठीक है, एटम बम कैसे काम करता है, मिसाइल्स कैसे काम करते हैं, सारा चीज़ क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको दूसरा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी में क्या पढ़ने वाले हम लोग, जितना भी चीज़ अभी आपके पास होम अप्लायंसेस से लेके आपका जो जितना भी ज़रूरी चीज़ है, सारा चीज़ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हो गया आपका, जितना भी होम अप्लायंसेस है, जैसे टीवी हो गया, ठीक है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, लैपटॉप हो गया, सारा सब चीज़ किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। वैसे तो कंप्यूटर का एक अलग ही दुनिया है, कंप्यूटर साइंस का, लेकिन हम लोग उसको कहाँ पे कवर करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कवर करने वाले, ठीक है। तो आपको इतना सिलेबस तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग एक्चुअली क्या क्या पढ़ने वाले। उसके अलावा एक मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है, साइंस में एक मिसलेनियस टॉपिक फिजिक्स में पढ़ने वाले, जैसे इंटरनेट डिवाइसेस है बहुत सारा, ठीक है, इंटरनेट डिवाइसेस है, कुछ कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस है, माउस हो गया, ये सब भी कुछ कुछ कंप्यूटर वाली चीज़ और इंटरनेट वाली चीज़। जैसे मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब है। वाईफाई क्या होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे काम करता है, सबके पीछे क्या है, सबके पीछे फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वो सब चीज़ में लोग मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ने वाले। पहला मिसलेनियस टॉपिक में इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले मेनली। दूसरा क्या पढ़ने वाले मिसलेनियस टॉपिक में, अब जैसे कि बहुत सारा हमारे यहाँ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसरो है, DRDO है, BARC है, ठीक है, उनका क्या क्या प्रोजेक्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मतलब उनका जो फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या क्या है, कहाँ कौन कौन सा सेटेलाइट लॉन्च होने वाला है, ठीक है, कहाँ कहाँ मतलब हमारा सेटेलाइट अभी तो इम्पॉर्टेंट सेटेलाइट्स कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया है, सारा चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं इसमें मिसलेनियस टॉपिक में। तो इसरो, बार, DRDO, ये सब का फुल फॉर्म क्या है, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, कब ये इस्टेब्लिश किया गया, किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, क्यों इस्टेब्लिश किया गया, सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले इस टॉपिक में, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक बच जाता है, फेमस साइंटिस्ट, जो फिजिक्स के फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ का डिस्कवरी किए हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग हमारा पूरा सिलेबस इतने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। और इन सब के अलावा सारा का एक दो टॉपिक और है, वो भी मिसलेनियस में ही आप उसको काउंट कर सकते हैं, क्या, द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में मतलब क्या है, द यूनिवर्स में कि कौन कौन से प्लैनेट हैं, वो कैसे उनका मोशन होता है, कैसे वो रोटेट करते हैं, अर्थ का
सेटेलाइट कौन कौन सा है, कौन किसके पास कितना सेटेलाइट है, वो सारा इन्फॉर्मेशन, स्टार कैसे बनता है, ठीक है, स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई, सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ने वाले, द यूनिवर्स चैप्टर में, ठीक है। तो ये द यूनिवर्स तक हो गया। अब सारा का जितना ये पढ़े हैं ना हम लोग, सारा का एक मिसलेनियस टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मतलब सारे इसमें क्या पढ़ने वाले, जितना भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, मैकेनिक्स में जितना फिजिकल क्वांटिटी यूज होगा, साउंड में जितना फिजिकल क्वांटिटी यूज होगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में फिजिकल क्वांटिटी जितना यूज होगा, ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, जितना भी चीज में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी यूज होने वाला है, सारा हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि उस फिजिकल, सारे फिजिकल क्वांटिटी को, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सबको किस चीज़ में मेजर करने वाले हैं और किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, सारा का मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रक एवं मापन, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कब, इसको तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मॉडर्न क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट एंड मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वैसे आपको हर जगह यूनिट्स एंड मेजरमेंट पहले पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें जो कुछ कुछ आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो सारा क्या होता है, उसके बारे में आप पहले से इंट्रोड्यूस नहीं हुए, उसको आप पहले से जानते नहीं हैं, ठीक है। जैसे वर्क क्या होता है, वर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके बारे में, लेकिन अगर हम उसका यूनिट्स वहीं पर बता देंगे, उसका डायमेंशन वहीं पर बता देंगे, तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम होगी उसको समझने में, ठीक है, फिर आपको रटने वाला हिसाब हो जाएगा। और हम क्या बोले क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बोले कि कुछ भी चीज़ आपको मेरे क्लास में रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो छोटा मोटा चीज़, कुछ कुछ फैक्ट्स आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम ऑफ चीज़ क्या है आपको हम यहाँ पे समझाएंगे, एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन कराने वाले क्लास में, आपको एक एक चीज़ विजुअलाइज होगा, आपको लगेगा कि सारा चीज़ आपके सामने होने वाला है, ठीक है। तो एकदम क्लास में बने रहिए, और ये यूनिट्स एंड डायमेंशन को हम लोग इसलिए लास्ट में पढ़ने वाले हैं ताकि हमको पहले हम सारा फिजिकल क्वांटिटी, सारी भौतिक राशियों से हमारी पहचान हो जाए, सबको हम अच्छे से जानने लगे, तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस चैप्टर में। वैसे वो तो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है फिजिक्स का, लेकिन मेरा मानना है कि वो लास्ट में पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से उसको ग्रेस्प कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा आज का क्लास जो था वो हम लोग, उसमें हम लोग क्या किए, हम लोग पूरा जनरल साइंस या जो फिजिक्स आज स्टार्ट होने वाला उसके बारे में जाने, फिजिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका सिलेबस क्या है, किस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़न है कि बुक्स वगैरह का अगर कन्फ्यूज़न होगा तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अभी फ़िलहाल कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ उसको बस एक सीरीज, लेक्चर सीरीज की तरह देखिए, ठीक है, एक लेक्चर देखिए, फिर अगला लेक्चर देखना है, फिर अगला लेक्चर, इस तरह से आप देखते रहिए, और कुछ दिन में आपको फिजिक्स इतना आसान लगने लगेगा ना कि लगेगा कि मतलब आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगने लगेगा फिजिक्स, लगेगा कि हम बस फिजिक्स ही पढ़ते रहे, ठीक है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में, तो हमारा क्लास को एकदम रेगुलर देखते रहिए, ठीक है। और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा आपको क्लास में, लग रहा है कि सर कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं हम, या फिर अगर पूरे क्लास में, आज की क्लास में अगर डाउट हो रहा है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसको सुधारने का, और अगर कुछ डाउट होगा तो उसका जवाब देंगे, और भी कुछ अगर डाउट होगा तो हम वीक में एक बार लाइव आएंगे और उसमें आपको सारे का डाउट लेने वाले हैं और उसमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो पूरे एग्जॉस्टिव तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ देखने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से, कौन कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरह से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे रिलेट करता है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, मोशन पढ़िएगा, मोशन से रिलेटेड फोर्स है, फोर्स से रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये, इससे रिलेटेड ये, तो सारे चीज़ से रिलेटेड, तो आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, बीच से लेक्चर नहीं देखना है, स्टार्टिंग से देखिए, अगर पहले दूसरा लेक्चर देखें तो पहले पहला लेक्चर देखिए, और देखते रहिए अच्छे से, अच्छे से पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एग्जाम क्वालिफाई होगा, वैकेंसी आती रहेगी, आपको बस क्या करना है, आपको तैयारी कंटिन्यू रखना है, तैयारी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप तैयारी छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, गैप बन जाता है, वहाँ पे गैप नहीं बनने देना आपकी प्रिपरेशन के बीच में, तो कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। आपको यहाँ पे जीएस का भी कोर्स चल रहा है, मैथ्स का भी कोर्स चल रहा है, पूरा फुल पैकेज आपको मिलने वाला है सक्सेस कैंपस में, तो एकदम पूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि नया नया जो आपके पास वीडियो अपलोड होगा वो सारा आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन आते रहे, कुछ कोई वीडियो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे सब्जेक्ट, हमारे कोर्स लेक्चर सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।